बांद्रा के गवर्नमेंट कॉलोनी में रहने वाली देविका रोटावन आज करीब 20 साल की हो चुकी है, लेकिन 26/11/2008 की शाम एक ऐसा दर्द लेकर आई जिसे देविका आज तक नहीं भूल पाई है। गोली फायरिंग हुई और बम स्पॉट हुआ। हम भागने की कोशिश की तो कसाब की गोली आके मेरी राइट पैर में लगी। मैं गिर गई, बेहोश हो गई, पर बेहोश होने के पहले मैंने उस आतंकवादी को देख लिया था जिसने मुझे गोली मारी थी। मेरे आंखों के सामने वहाँ कई लोग मरे गए, घायल हुए। मुझे तभी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है। कई मासूम बच्चे, पुलिस ऑफिसर, किसी को हाथ में गोली लग रही है, किसी को पैर में गोली लग रही है, किसी के सर पे लग रही है। तब मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। ये सब समझना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। देविका उस शाम अपने पिता नटवर लाल रोटवानी और छोटे भाई जयेश के साथ बड़े भाई भरत से पूरे मिलने जा रही थी। तब देविका के पिता ने उसका हाथ पकड़ा और भीड़ के साथ भागने की कोशिश करने लगे, मगर अचानक एक गोली देविका के पैर में जा लगी और वो वहीं गिर पड़ी। 26/11 आतंकी हमले में आतंकवादी मुंबई को कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने उन ठिकानों को चुना जहां पर भीड़ भाड़ होती है, जहां पर लोगों की संख्या अधिक होती है, और इसी वजह से उनका निशाने पर था मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। अत्याधुनिक हथियारों से लैस जब आतंकवादी मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर पहुंचे तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, और इसके बाद एक बहुत ही भीषण कत्लेआम यहाँ पर मचाया जिसमें कई लोगों की जाने गई। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर आतंकी कसाब और उसके साथी इस्माइल अंधाधुंध फायरिंग की थी। दोनों दहशतगर्दों ने यात्रियों की भीड़ पर ग्रेनेड ही फेंके थे। इस हमले में सीएसटी स्टेशन पर 58 बेगुनाह यात्रियों की मौत हो गई थी और कई लोग जख्मी हो गए थे। उन्हीं में से एक देविका भी थी जो बाद में इस हमले की सबसे कम उम्र की गवाह बनी। 10 जून को मुझे खड़ा किया गया था कोर्ट में। मेरे सामने 3 टेररिस्ट रखे गए थे, उसमें से मुझे कसाब को पहचाना था। कसाब जो जज साहब के साइड में बैठा था पहले में, वो था आतंकवादी कसाब। जब मैंने उसको देखी, मैं बैसाखी से चलती थी, खुनस तो ऐसा आया था कि बैसाखी फेंक के उसको मार दूं या मुझे ही कोई शायद बंदूक ला के दे दो तो मैं उसको गोली मारूं। जब उसको पता चलेगा कि गोली का दर्द क्या होता है। देविका ने अगले कुछ महीने पैर के उस जख्म से लड़ने में बिताए जो उसे कसाब की गोली लगने पर हुए थे। कसाब के खिलाफ गवाही देने के लिए देविका जब बैसाखी लेकर कोर्ट पहुंची थी तब उसकी तस्वीर उस समय लाखों लोगों के दिल में घर कर गई थी। देविका की गवाही के आधार पर कोर्ट ने कसाब को फांसी की सजा सुनाई थी। वो मेरी एक बात पे नाराजगी है कि उसको सबके सामने लाके फांसी देनी चाहिए थी कि वो आतंकवादी जो पाकिस्तान में बैठे हमारे देश में कहीं पे देश में भी घुसने की जो प्लानिंग करते हैं उनकी प्लानिंग कभी काम ना है। उन्हें एक मुंह तोड़ जवाब मिलता था अगर इनका एक वीडियो बना के डाल देना चाहिए था। हाँ देखो हमारे देश में आंख उठाने वाले के हम ऐसा हाल करते, ऐसे आतंकवादी को इतनी गंदी सजा देनी चाहिए कि वो कभी सोच भी नहीं सकता। 21 नवंबर 2012 को आतंकी कसाब को तो फांसी पर लटका दिया गया, लेकिन देविका और उसके पिता को इंतजार है उस खास पल का जब इस बर्बर हमले के बाकी गुनहगारों का भी कसाब जैसा अंजाम। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ नेशन।